सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर एक ऐसे शख्स की आ रही है जिसकी 2 महीने बाद मौत हो गई है सर्जरी के। उसने सुअर की किडनी लगवाकर चर्चा में आया था। 2 महीने पहले ही स्लेमैन की किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। वो पहला शख्स था जिसने सुअर की किडनी लगाई थी और इसलिए वो चर्चा में था। आज इस ट्रांसप्लांटेशन के 2 महीने बाद 62 साल के रिचर्ड सेल्विन की मौत हो गई है। उनके परिवार ने सैटरडे को ये बात बताई है कि मौत की वजह भी पता नहीं चल पाई है। वहीं मैसाचुसेट्स के अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट किए गए थे तो उसका कहना है कि ट्रांसप्लांट से किसी भी वजह से उसकी जान नहीं गई है। बता दें कि मैसाचुसेट्स के जनरल हॉस्पिटल में उसकी 4 घंटे की सर्जरी की गई थी। फिर वो सक्सेसफुल सुअर के जेनेटिकल मॉडिफाइड किडनी को अपने अंदर ट्रांसप्लांट कर चुका था। ऐसे में जहाँ तमाम दुनिया के लोग उसको कोस रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं, वहां पर मेडिकल साइंस उसका शुक्रिया अदा कर रही है कि उसने इस साइंस कंट्रीब्यूशन में अपना योगदान दिया। सवाल ये पैदा होता है कि आजकल किडनी ट्रांसप्लांट जब इंसानों की किडनी से हो सकता है तो मेडिकल साइंस इतना एक्सपेरिमेंट क्यों करती है। बात अगर अब करें राफा की तो इसराइल गाजा में राफा में अटैक से पहले इसराइल पर ही हो गया है अटैक। फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए इस्लामिक संगठन साथ हो गए हैं। ये मामला न्यू अटैक का आ रहा है। राफा पर IDF के ऑपरेशन से पहले इराक के एक शिया संगठन ने इसराइल पर हवाई हमला कर दिया है। उसने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए फिलिस्तीनियों को बचाने की कसम खाई है। गाजा के राफा शहर में इसराइल के अटैक की खबरों के बीच दुनिया खेमे में बढ़ गई है। एक तरफ अमरीका और ब्रिटेन समेत कई देश इसराइल के साथ दिख रहे हैं, वहीं फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में तमाम कंट्री खड़ी हुई हैं। मुस्लिम देशों ने इसराइल का प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। राफा पर हमले से ठीक पहले इराक के एक शिया संगठन ने इसराइल के हवाई अड्डे पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया है। उसने हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि ये सब उसने फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए किया है। गाजा के शहर राफा की बॉर्डर पर इसराइल फोर्स अपने सैनिकों की बड़ी तादाद में टैंकरों के साथ खड़ी है। उसे अपने नेता और PM बेंजामिन नेतन्याहू के ऑर्डर्स का इंतजार है। हालांकि राफा पर हमले से इधर इसराइली सेना गाजा में अपना हमला जारी रखे हुई है, जहां पर एक तरफ गाजा पूरी तरह से शमशान बन गया है, वहीं पर राफा पर अटैक से पहले अमरीका ने इसराइल की तरफ से हमास के वॉर को रोकने का ऑफर दिया है। इधर राफा पर हमले की तैयारी कर चुके इसराइल पर इराक का एक इस्लामिक संगठन ने हमला कर दिया है। संगठन ने साथ में ये भी कहा है कि गाजा में इजरायली सेना ने जो भी किया है ये उसका बदला है। बात अगर करें पाकिस्तान की तो गुलाम जम्मू कश्मीर में झड़पें हैं। पुलिस अफसर की मौत हो चुकी है, 100 लोग घायल हो चुके हैं। मीरपुर के पुलिस अध्यक्ष कामरान अली के निरीक्षक अदनान कुरैशी की इस्लामगढ़ शहर में सीने में गोली लगने से मौत हो गई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम जम्मू कश्मीर में सैटरडे को मुजफ्फराबाद के लिए एक रैली को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों के साथ तैनात थे। आवामी एक्शन कमेटी के बनेर, तले, कोटली और पुंछ जिले रैली निकाली गई थी। एक तरफ जम्मू और कश्मीर की लोकसभा चुनावों की गहमा गहमी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम जम्मू कश्मीर में विरोध प्रोटेस्टर्स के हिंसा झड़पों के नारे लग रहे हैं, जहां पर 100 लोग घायल हो गए हैं। मीरपुर के पुलिस अध्यक्ष कामरान अली अदनान कुरैशी इस्लामगढ़ शहर में सीने में गोली खाने से शहीद हो चुके हैं। POK में जल विद्युत उत्पादन लागत के मुताबिक बिजली की होना, गेहूं के आटे पर सब्सिडी और बाकी मामलों को खत्म करने की मांग की जा रही है। हड़ताल के बीच मुजफ्फरनगर के कई इलाकों में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच भयंकर झड़पें देखी गई हैं। अधिकारियों ने लोगों को शहर की तरफ जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारियां करना शुरू कर दिया है। मुजफ्फराबाद की तरफ से वाले रास्तों पर मिट्टी के ढेर लगे हैं और वहां के रिहायश वालों ने बताया है कि मुजफ्फराबाद और डिवीजन के मामलों में काफ़ी हमले हुए हैं। वहीं अगर एक और बड़ी खबर की बात करें तो वो फाइजर कंपनी के पुराने कर्मचारी की एक सनसनीखेज वीडियो की आ रही है, जहां पर फार्मा दिग्गज कंपनी फाइजर की वैक्सीन में गड़बड़ी की जानकारी लीक करने वाली मेलिसा मैकटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उसने बताया है कि अगर उनकी मौत होती है तो इसके लिए सरकार और कंपनी जिम्मेदार होगी। मेलिसा मैकटी फाइजर की पुरानी कर्मचारी रही है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि किसी तरह के नुकसान की को अलामतें होने लगी हैं। एस्ट्राजेनेका की तरफ से दुनिया भर में कोविड वैक्सीन वापस लेने का ऐलान किया है। विलोलर मेलिसा मैकटी ने के इंजेक्शन में गड़बड़ी में लीक करने में उन्होंने जानकारी दी है कि mRNA वैक्सीन में लैब टेस्टिंग में गड़बड़ी आई है। हालांकि बाद में इस इल्जाम की कंफर्मेशन नहीं हो सकी है। मैकटी ने इससे लोगों पर मौत की चिंता भी जताई है। ऐसे में उन्होंने लिखा है कि अगर मुझ पर कोई भी मसला मसाइल होता है, अगर मेरी जान जाती है, तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालदेन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लास रूम में आपकी बच्चियों की तालीम तरबियत हुस्न अखलाक हिफ्ज कुरान करीम और स्पोर्ट्स के तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस दे स्कूल का इंतखाब करें।